आप पहले से राजनीति में आना चाहती थी कि जो हाल में घटनाएं हुई उसके बाद आप राजनीति में आई? देखिए, मैं राजनीति में कभी भी नहीं आना चाहती थी। अगर आना होता तो शायद मैं 15 साल पहले आ जाती, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मेरी शादी हुई थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, मैं परिस्थितिवश राजनीति में आई हूँ। मेरी लड़ाई हर उस व्यक्ति से है जो महिलाओं को गलत नज़र से देखता है और महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। तो अगर देखा जाए तो मैं जिनकी भी बात करूँ, सब ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो हमारा फाइट किसी से भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है या किसी एक फैमिली की पार्टी नहीं है। जैसे बसपा सिर्फ मायावती जी की पार्टी है और सपा एक फैमिली की पार्टी है, कांग्रेस एक फैमिली की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो सर्व धर्म और सर्व जाति को लेकर चलती है। सपा और बसपा ने 15 सालों से जो राज कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज़ अगर मैं कह दूं, किसी गांव में और पूरे सरोजनी नगर क्षेत्र में आप जा कर के देख लीजिए, ना सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी है, ना बिजली है, तो इसलिए ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये बेसिक, जब लोगों को यही चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और यहाँ नालियाँ सब खुली हैं, तो स्वच्छता अभियान कहाँ है? तो पहले तो ज़रूरी है कि हमारे हर एक क्षेत्र में सड़कें हों, नालियाँ हों, स्कूल हों, ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो सबने देखा है, सब उसका लाभ भी उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है उतना, तो सारी महिलाओं को वो लाभ नहीं मिल रहा है। पर मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वो सारी योजनाएं लागू होंगी। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो महिलाओं को लेकर के जो भी योजनाएं बनाएंगी वो भी बहुत अच्छे से लागू होंगी। देखिए, मुझे जो विधानसभा क्षेत्र दिया गया है वहाँ मैं यहाँ के लोगों को फोकस करके चल रही हूँ। मायावती जी से जो मेरी लड़ाई थी वो आज भी पूरे बसपा के लोगों से वो लड़ाई जारी है, वो अलग चीज़ है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ जनता के लिए। अगर जनता मुझे चुन करके अगर विधानसभा भेजेगी तो मैं जनता का प्रतिनिधित्व करूँगी। तो ये ज़रूरी है कि मैं इनकी समस्याओं को सुनूँ, इनकी समस्याओं को देखूँ, ना कि मायावती जी को यहाँ पर ले आऊँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई तो हर जगह मायावती जी को घसीटूँ। जहाँ पर जो लड़ाई है वो वहाँ पर मायावती जी का नाम लिया जाएगा, जहाँ पर इनकी समस्याएं हैं वहाँ पर उनकी। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, कांग्रेस तो ऐसे भी डूबी हुई जहाज थी और अखिलेश जी को कहीं ना कहीं वो आश्वस्त नहीं थे। जिस विकास की वो बात करते हैं उनका मन जानता है कि क्या उन्होंने विकास किया, आप सरोजनी नगर क्षेत्र में आकर देख सकते हैं। ये वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि जिस विकास का ढिंढोरा वो पीट रहे थे, वाकई में उन्होंने अगर विकास किया है तो क्यों नहीं अकेले दम पर खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, उनकी विफलता दिख रही है इस अलायंस के पीछे।